हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल मंथन स्मार्ट क्लासेस। फ्रेंड, जैसा कि मैं आपके लिए पहले भी कई वीडियोस में लेके आई हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए और अनदर एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, बहुत से एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आई हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ लेके आई हूँ, सारे ना लेके, जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके लिए मैं लेके आई हूँ। मेरे लास्ट वीडियोज़ में मैंने ए बी एंड सी लेटर से जितने भी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट होते हैं वो मैंने आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए आगे के लेटर डी लेटर से स्टार्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो से बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको कुछ भी सीखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करना मत भूलिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिए कि आपको इस वीडियो से कितना बेनिफिट मिला है या आपके व्यूज़ क्या हैं इस वीडियो से रिलेटेड, जिससे हम अपने वीडियो को और भी बेटर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप हमारे अगर पेड ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं, इंग्लिश के सारे लेक्चर से ऐड होना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 9335268901। उस नंबर पे ऐड होके आप हमारे इंग्लिश के सारे लेक्चर से ऐड हो सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे आज इस टॉपिक में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। फ्रेंड्स, जिन फ्रेंड्स ने मेरा लास्ट वीडियोज को वॉच किया है, जितने भी पार्ट हैं इससे रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, उनको बहुत ही ईजिली समझ में आ गया होगा। पर जितने फ्रेंड्स ने मेरे लास्ट वीडियोस को वॉच नहीं किया है, आज फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं और भी नॉलेज लेना चाह रहे हैं, नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो मेरे लास्ट वीडियोस को और भी वीडियोस को आप प्ले लिस्ट पर जाके मेरे लास्ट वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वर्ड्स उनको सीख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आज की सीरीज में, देखते हैं क्या है डम्ब। डम्ब क्या होता है फ्रेंड्स, आप सबने सुना होगा, डम्ब एक वर्ड है जिसको बोलते हैं गूंगा। ठीक है, अगर लिख के आता है आपको, वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता, एक जो बोल नहीं सकता, वन हु कैन नॉट स्पीक, तो जब जो नहीं बोल सकता उसको क्या बोलेंगे हम, गूंगा, डम्ब बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है डीन। डीन क्या होता है, देखिए, गिरिजा घर का अध्यक्ष, डीन मतलब हेड, कहीं का हेड, डीन उसको बोलते हैं। क्लर्गुमैन हु इज हेड ऑफ कैथेड्रल चैप्टर, मैंने आपको पहले बताया डीन मतलब होता है हेड, कहीं का भी हेड जरूर होगा वो, तो हेड है कहाँ का, कैथेड्रल चैप्टर का। कैथेड्रल मतलब एक चर्च है, गिरजाघर है, जिसका वो चर्च का क्या है, चर्च का हेड है। ठीक है, अध्यक्ष है मतलब चर्च में रिलेटेड जितने भी वहाँ पे फंक्शन होंगे, जितने भी कार्य हैं, जितना भी वहाँ का जितना भी अरेंजमेंट है, वो सारा कौन लीड करता है, वो डीन होता है, गिरिजाघर का डीन होता है, वो ये लीड करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है डेप्टर। डेप्टर, डेप्ट मीन्स क्या होता है, डेप्ट मीन्स होता है उधार या कर्जा या ऋण। ठीक है, अब डेप्टर क्या होता है, डेप्टर होता है देनदार, जिसने वो दिया है ऋणी या जिसने लिया है, पर्सन हु ओज मनी टू समबडी, जिसने किसी से कर्जा लिया है, कर्ज लिया है या ऋण लिया है। डेप्ट मीन्स होता है कर्ज और डेप्टर मीन्स कर्जदार, जो किसी का कर्जदार है, यानी कि जिससे उसने किसी से मनी रुपया लिया है, उधार लिया है, किसी से ऋण लिया है और उसको यूज करने के लिए उसके पास रुपया नहीं था, तो किसी से उसने ये बात बोल के कि मैं कुछ दिनों में आपको वापस कर दूंगा कह के ऋण लिया है, कर्ज लिया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं डेप्टर। देखिए बहुत इजी वर्ड ये लर्न करना है, डेप्ट। डेप्ट आपको पता ही होगा, डेप्ट जिसको नहीं पता ये होता है ऋण। ठीक है, डेप्ट होता है क्या, ऋण, तो जब डेप्टर इसमें ओ आर एड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ऋणी। ठीक है, डेप्टर हो जाएगा ऋणी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है डिमॉन्स्ट्रेटर। डिमॉन्स्ट्रेटर क्या होता है, देखिए अब बताया जाए आपको, डिमॉन्स्ट्रेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक प्रदर्शक। ठीक, पर्सन हु टीच्स और एक्सप्लेन्स बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग समथिंग। आपने एक वर्ड पढ़ा है डेमो, डेमो, डेमो होता है। ठीक है, डेमो क्या होता है, जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी भी स्कूल में या किसी भी ऑफिस में आपको कहीं भी जॉब के लिए आप जाते हैं, ठीक है, जॉब आपको जॉब की नीड है, आपने आर्टिकल पढ़ा और वहाँ पे आप गए जॉब के लिए, वहाँ से मिलने मैनेजर से या हेड से वहाँ के मिले, तो उन्होंने आपको फर्स्टली बोला कि पहले हम आपका डेमो लेंगे। डेमो लेंगे मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब
क्लास में आपका लिविंग जितना भी एक्सपीरियंस है वो देखेंगे कि क्लास में आप वर्क कैसे कर रहे हो, उस इंस्टीट्यूट में आप वर्क कैसे कर रहे हो। सिर्फ बोलने से या रिटन बेस्ड सिर्फ होने से नहीं, क्या होता है डेमो भी लिया जाता है, रिटन के साथ साथ डिमॉन्स्ट्रेशन होता है। डिमॉन्स्ट्रेशन होता है मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको अप्लाई, आपको इंस्टीट्यूट में रखने से पहले, ज्वाइन कराने से पहले वो आपका डिमॉन्स्ट्रेशन लेंगे, डेमो लेंगे। डेमो में आप दिखाएंगे उनको वर्क करके, हु टीच और एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करके दिखाएंगे या पढ़ा के दिखाएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिंग समथिंग। वो आपको एक मैटर दे देंगे और मैटर क्या होगा, स्कूल में अगर टीचर आपको बनना है, जाना है, तो आपको डेमो करवाते हैं। पहले आप स्टूडेंट्स को क्लास में पढ़ाइए, एक मैटर देते हैं, उस मैटर को आप पढ़ाइए ब्लैक बोर्ड पे, एक्सप्लेन करिए, टीच करिए स्टूडेंट्स को। अगर आप अच्छे से टीच कर लेते हैं तो आगे आपका नेक्स्ट फर्दर जो भी होती हैं इंक्वायरीज वो आपकी फुलफिल हो जाती हैं और आपको क्या कर लिया जाता है, ज्वाइनिंग करा दी जाती है। ठीक, अगर आपका डिमॉन्स्ट्रेशन अच्छा है तो उसको बोलते हैं प्रदर्शक। अगर हम किसी भी चीज़ का डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हैं उसको ज्वाइन करने से पहले, ठीक है, जो हमारा टेस्ट हो रहा है या एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटर। जो ये देता है उसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटर, जो इस जॉब के लिए अप्लाई करता है या फिर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है तो डिमॉन्स्ट्रेटिंग करके एक्सपीरियंस पे टीच किया जाता है उसको डिमॉन्स्ट्रेटर कहते हैं। जो ये व्यक्ति करता है, पर्सन होता है, उसको डिमॉन्स्ट्रेटर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डेकोरम, डेकोरम। देखिए डेकोरेट आपने पढ़ा होगा, डेकोरेट मतलब किसी भी चीज को सजाना, सुंदरता से उसको डेकोरेट करना। ठीक, उसी से ये वर्ड बना है डेकोरम, डेकोरम उसी से वर्ड बना है, सुंदरता, सुंदरक या शिष्टाचार, डिग्निफाइड एंड सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। देखिए ऐसा बिहेवियर जो बहुत ही शानदार है, डिग्निफाइड है, बहुत ही वेल मैनर्ड है और क्या है, एक्सेप्टेबल है, सोशल में, समाज में सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर है। ऐसा व्यवहार है जैसे कोई पर्सन है वो बहुत ही डेकोरम बिहेवियर करता है, डेकोरम है उसको बोलेंगे कि बहुत ही वेल बिहेव्ड है, बहुत ही अच्छा मैनर से सबसे बातचीत करता है, बहुत ही सुंदरता से, यानी डेकोरेसी से, डेकोरेट वर्ड से वर्ड बना है और बहुत ही समाज में क्या है, समाज में उसको ये चीज अप्रूव करते हैं लोग, क्या करते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, अप्रूव करते हैं उसके बिहेवियर को, तो क्या बोलेंगे उसको, डेकोरम। ठीक है, सुंदरता या शिष्टाचार। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डिक्शनरी, सभी को पता होगा डिक्शनरी क्या होता है, एक ऐसा समूह, ऐसी बुक जिसमें मीनिंग दी होती है बहुत सारे वर्ड्स की। ठीक है, डिक्शनरी आप सबने पढ़ा होगा, एक बुक गिविंग मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड्स, वेरियस माने बहुत सारे, कई भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ड्स की। देखिए कोई भी वर्ड्स अगर हमें नहीं आ रहा होता है, नहीं समझ आता है, तो उसका फर्स्ट लेटर देखते हैं और डिक्शनरी खोलते हैं, डिक्शनरी के उस लेटर से स्टार्ट जितने भी वर्ड्स होते हैं उनमें से, उस लेटर से लेटर वाइज दिया होता है जिसको हमें सर्च करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। डिक्शनरी में हमें उसकी बहुत सारी मीनिंग मिलती है, एक से ज़्यादा मीनिंग मिलती है उसकी और बहुत सारे वर्ड्स की, वेरियस मीनिंग्स की, तो क्या हो गया, डिक्शनरी हो गई वो, डिक्शनरी। ये अगर आपको लिखा मिले बुक गिविंग मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड्स तो उसको बोलेंगे डिक्शनरी। नेक्स्ट देखते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट चर्म रोग विशेषज्ञ। चर्म रोग जानते हैं आप, चर्म मतलब त्वचा से संबंधित, स्किन से रिलेटेड जितने भी, जितनी भी डिजीज होंगी उसकी जो स्टडी करते हैं, उसका जो इलाज करते हैं, उसको जो डायग्नोस करते हैं, उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। देखिए डर्म क्या होता है, एक डर्म होती है हमारी, एक डर्मिकूल क्या है, डर्मिकूल एक पाउडर है, आपने पढ़ा है। डर्म मीन्स क्या होता है, डर्म, डर्म होता है हमारी त्वचा, त्वचा से संबंधित होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है डर्मिकूल। ठीक, त्वचा होता है, अब डर्म से ये बना है डर्माटोलॉजिस्ट, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि क्या है, हमारी स्किन से रिलेटेड ही कुछ है। ठीक है, डर्म मीन्स होता है त्वचा यानी स्किन, तो हमारी स्किन से रिलेटेड है। अब लॉजिस्ट है, जिस्ट आईएसटी उनमें जुड़ता है जो विशेषज्ञ होते हैं, किसी भी चीज के विशेषज्ञ होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज प्राप्त होता है उसमें, उसको आईएसटी ऐड करते हैं उसमें, तो क्या होगा, वन हु इज वेल वर्स्ड, वेल वर्स्ड माने बहुत ही योग्य होता है इन द साइंस, ऐसे विज्ञान में विच ट्रीट्स द स्किन एलिमेंट्स एंड इट्स डिजीजेस। देखिए स्किन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं या स्किन से रिलेटेड जितने भी बातें हैं उनमें बहुत ही योग्य होता है, बहुत ही योग्य डॉक्टर होता है, जिसको भी स्किन की प्रॉब्लम होती है वो कहाँ जाता है, कौन से डॉक्टर के पास, डर्माटोलॉजिस्ट।
ठीक है, उसको बोलेंगे चर्म रोग विशेषज्ञ डर्मेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं डाउन ट्रेन। डाउन ट्रेन क्या है? स्टेशन से भिन्न तल की ओर जाने वाली रेलगाड़ी। द ट्रेन प्रोसीडिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल टाउन, देखिए स्टेशन से भिन्न तल की ओर, मेन टाउन कस्बे की तरफ जाने वाली रेलगाड़ी। जो छोटी छोटी ट्रेन चलती हैं एक कस्बे से दूसरे कस्बे में पहुंचाने के लिए, जो बड़ी ट्रेन ना होके जो बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे नहीं पहुंचाती हैं हमको, छोटी छोटी जगह पे पहुंचाती हैं, दूसरी जगह पे पहुंचाती हैं, स्टेशन से दूसरी जगह पे रोक के छोटी छोटी गाड़ियां चलती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं डाउन ट्रेन। वो बोलते हैं, बोली जाती है डाउन ट्रेन। ट्रेन के साथ डाउन वर्ड ऐड कर दिया तो हो गया स्टेशन से भिन्न तल की ओर जाने वाली गाड़ियां जो टाउन की तरफ पहुंचाती हैं। ठीक है, जो हमको टाउन पहुंचाती हैं उनको बोलते हैं डाउन ट्रेन। देखते हैं डेथ ट्रेप, खतरनाक स्थान। डेथ मीन्स होता है मृत्यु। मृत्यु क्या होती है? बहुत ही खतरनाक होती है। ट्रैप मीन्स क्या होता है? स्थान। तो आपको क्या मतलब मिल गया? डेथ ट्रेप। देखिए Place where many people have died in accident. कभी कभी आप क्या जर्नी कर रहे होते हैं और वहां पे क्या लिखा होता है किसी किसी जगह पे कि सावधानी पूर्वक चलिए, खतरा ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, खतरा है या बहुत से दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र लिखा होता है, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा दुर्घटना होती है। कुछ ऐसी भी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, लगातार एक्सीडेंट होते रहते हैं वहाँ पे, और फिर उसको क्या बोलते हैं? डेथ ट्रेप। उस जगह से लोग डरने लगते हैं वहाँ पे निकलने से और बहुत ही सावधानी से जाते हैं और वहाँ पे बोर्ड वगैरह लगा देते हैं। हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी हैं लोग वो बोर्ड भी लगाते हैं वहाँ पे कि दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, यानी कि संभाल के जाइए, सावधानी पूर्वक जाइए, आगे दुर्घटना बाहुल क्षेत्र है। तो लोग पहले से ही क्या हो जाते हैं? पहले से ही समझ जाते हैं, पहले से ही क्या हो जाते हैं? सिक्योरिटी आ जाती है उनके अंदर कि हम बहुत आराम से यहाँ पे बाइक कर चलाएं या गाड़ी से जाएं या बस चलाएं या ट्रक चलाएं, जो भी है। तो वो जगह जो होती है उस जगह को हम बोलते हैं डेथ ट्रेप, खतरनाक स्थान जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं मर चुके होते हैं एक्सीडेंट में, और एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो इतने भयानक होते हैं कि लोगों की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उस जगह को हम बोलते हैं डेथ ट्रेप। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। डिक्टेटरशिप, अनुशासक। देखिए गवर्नमेंट कैरीड ऑन बाई ऑब्सोल्यूट रूल, ऑब्सोल्यूट। डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप मतलब क्या होता है? शासन, बहुत ज़्यादा शासन करना, किसी पे डिक्टेटरशिप दिखाना, यानी कि एकदम से उसके लीडर बन जाना, हेड बन जाना किसी भी चीज़ के। डिक्टेटर मीन्स होता है डिक्टेट करना, मतलब हेड बनना किसी का। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? अनुशासक। गवर्नमेंट कैरीड ऑन बाई ऑब्सोल्यूट रूल, बहुत ही ऑब्सोल्यूट मतलब बहुत ही निश्चित, निश्चित या फिर महत्वपूर्ण नियम से जो गवर्नमेंट बनती है, निश्चित या महत्वपूर्ण रूल से जो गवर्नमेंट बनती है नियमों से, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे डिक्टेटरशिप। उसको क्या बोलेंगे? डिक्टेटरशिप। ठीक है, ऑब्सोल्यूट रूल से जो बनेगी उसको बोलेंगे डिक्टेटरशिप। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। डोमिसिल, डोमिसिल क्या है? निवास स्थान, रहने की जगह। ड्वेलिंग प्लेस, प्लेस वेयर अ पर्सन लिव्स परमानेंटली। देखिए वैसे आप लोग क्या समझोगे? एक घर है, हाउस है, उसमें लोग रहते हैं परमानेंटली, उसको हाउस कहते हैं, ये लिखा हुआ है। ड्वेलिंग प्लेस है मतलब रहने का स्थान, प्लेस वेयर अ पर्सन लिव्स परमानेंटली, परमानेंट रहता है, उसको क्या बोलते हैं? हाउस बोलते हैं। बट उसका दूसरा वर्ड क्या होता है? मेन, बिल्कुल एग्जैक्ट और सही वर्ड होता है, वर्ड होता है डोमिसिल। ठीक है, डोमिसिल बोलते हैं जहाँ पे लोग परमानेंटली रहते हैं, उसको हाउस ना बोल के जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? डोमिसिल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। डिकेड, देखिए डिकेड क्या होता है? दशक, दशक मतलब क्या होता है? अ टाइम ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, अ टाइम ऑफ 10 ईयर्स, जैसे कि दो फ्रेंड्स हैं और कहीं दूर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं या किसी बिजनेस के लिए कहीं बहुत दूर जा रहे हैं, और क्या कहेंगे? हम एक दूसरे से एक दशक के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? वी शैल मीट ईच अदर आफ्टर अ डिकेड। डिकेड दशक के बाद, यानी 10 वर्षों के बाद मिलेंगे, 10 वर्षों के बाद। ठीक है,
तो हम एक दूसरे से 10 वर्षों के बाद मिलेंगे, मतलब एग्जैक्ट टाइम उन्होंने दे दिया कि 10 वर्षों के बाद ही मिलेंगे, ना बीच में मिलेंगे ना उसके पहले मिलेंगे, वो मिलेंगे तो क्या, और ना ही बहुत ज़्यादा समय उसके बाद भी लेंगे कि 10 का 11 साल कर दिया या 12 साल कर दिया, नहीं 10 वर्ष यानी 10 ईयर्स के बाद एग्जैक्ट उनको मिलना ही मिलना है। तो वो 10 ईयर्स के समय को हम क्या बोलेंगे, डिकेड, दशक। जब भी लिखा मिले आपको अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स तो आप उसको क्या बोलेंगे, डिकेड। अ पीरियड ऑफ 1 ईयर क्या बोला था, एनुअल, ठीक है, उसको एनुअल वार्षिक बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या, डेप्ट। देखिए मैंने अभी आपको एक वर्ड पढ़ाया था, वही चीज आ गई, डेप्टर। डेप्टर पढ़ाया था, जिसके ऊपर ऋण बाकी होता है, जो देनदार होता है, और मैंने आपको बताया था डेप्ट, याद रखिए। तो आपको दोनों वर्ड क्या हो गए, एक साथ मिल गए, दोनों आपको याद रहेंगे। डेप्ट क्या होता है, किसी का ऋण या उधार, ऋण या उधार होता है डेप्ट। सम ऑफ मनी ओड टू समबडी दैट हैज नॉट येट बीन पेड, ऐसी मनी, ऐसा रुपया जो लिया तो गया है किसी के द्वारा लेकिन अभी तक, येट माने अभी तक पे नहीं किया गया है, चुकाया नहीं गया है, उसको कहते हैं ऋण। किसी से किसी ने रुपया लिया और उससे कहा एक टाइम पीरियड के अंदर मैं उसको चुका दूंगा, लेकिन उसको उसने अभी भी उस टाइम पीरियड के अंदर भी नहीं चुकाया है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऋण हो जाएगा। और ऋण मतलब कर्ज यानी कि उधार, उसको बोलेंगे डेप्ट। और मैंने आपको बताया था डेप्टर, ये वर्ड आप इसमें ओ आर ऐड कर दीजिए, डेप्टर मींस हो गया देनदार। दो वर्ड आपस में रिलेट करते हैं और बहुत इजी हैं, तो ये आप दोनों जो है एक ही वर्ड से आपको याद आ जाएगा, आप उसको समझ जाओगे, ठीक है, डेप्ट और डेप्टर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डेड लेटर। डेड लेटर क्या है, अज्ञात नामिक पत्र, अ लेटर विच इज नॉट क्लेम्ड बाई एनी वन। देखिए एक पत्र लिखा गया, ठीक, और वो पत्र क्या है, किसी के भी नाम नहीं लिखा गया, पत्र ऐसे ही लिख के छोड़ दिया गया, उसमें किसी भी पर्सन को अपनी बात पहुंचानी है बहुत सारे लोगों के बीच में, तो उसने वो पत्र लिखा, लेटर लिखा, पर उस पर किसी का भी नाम नहीं डाला, उसने अज्ञात नामिक रखा, अज्ञात नामिक रखा, अ लेटर विच इज नॉट क्लेम्ड बाई एनी वन, किसी के द्वारा, और उसने उस पर अपना नाम भी नहीं डाला, क्या है, ठीक है, उसने ये भी नहीं डाला कि वो किसके द्वारा लिखा गया है। जब भी वो लेटर सबको मिला तो सबको ये नहीं समझ में आया कि वो किसने लिखा है, उस पर नेम नहीं लिखा, लेकिन उसने अपनी बात लोगों तक पहुंचा दी है, तो उसको हम बोलेंगे डेड लेटर, जिसपे किसी का भी नाम ना लिखा हो, विदाउट नेम हो, लेटर ऐसा पत्र लिखा गया, उसको हम क्या बोलेंगे, डेड लेटर। नेक्स्ट देखते हैं डायबिटिक, ये आपने डिजीज पढ़ी होगी, डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज होता है मधुमेह रोग पीड़ित व्यक्ति, डायबिटीज होता है मधुमेह रोग, और डायबिटिक पर्सन होता है जिसको ये रोग होता है, जिसको ये डिजीज होती है, मधुमेह रोग पीड़ित व्यक्ति, पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। देखिए डायबिटीज, डायबिटीज क्या है, ये रोग हो गया, ये रोग हो गया, मधुमेह हो गया, और डायबिटिक उसको बोलेंगे जिसको ये डायबिटीज है, जो इससे पीड़ित व्यक्ति है उसको क्या बोलेंगे, डायबिटिक। डायबिटिक आपको पता है उसको शुगर बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं, जिसमें मीठा, ज़्यादा मिठास, जिस किसी के ब्लड में ज़्यादा शक्कर की, शर्करा ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायबिटीज। तो जो भी ये पीड़ित होगा व्यक्ति उसको बोलेंगे डायबिटिक। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डिलेबल। डिलेबल क्या होता है, मिटाने योग्य, दैट विच कैन बी इफेक्टेड और ब्लॉटेड आउट। जैसे कुछ भी लिख दिया गया, चाहे वो कंप्यूटर पे हो या किसी भी स्क्रीन पे है, लिख दिया गया, किसी भी स्क्रीन पे लिख दिया गया, और कभी कभी क्या होता है, स्क्रीन पे लिखा हुआ हम मिटा नहीं सकते, लेकिन जिस चीज़ को हम मिटा सकते हैं, मिटाने योग्य होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिलेबल। जो भी चीज़ स्क्रीन से हटाई जा सकती है, स्क्रीन से, कंप्यूटर से, किसी भी चीज़ से, उसको हम मिटा सकते हैं। अफेक्टेड और ब्लॉटेड मतलब ब्लॉट कर सकते हैं, उसके ब्लॉटेड हटा सकते हैं, जितने भी पार्ट्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं डिलेबल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन क्या होता है, अभावग्रस्त, लैक ऑफ द नेसेसरीज ऑफ लाइफ। देखिए ऐसी जगह, ऐसी जगह, जैसे कि बहुत से लोग, युद्ध का समय आ गया, युद्ध हुआ, और युद्ध के समय ऐसे जगह लोग फंस गए जहाँ पे लोगों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे लोगों को
जरूरत की चीज़ें भी नहीं उपलब्ध हो पा रही, और ऐसे लोग जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें यानी कि रोज़मर्रा की चीज़ें खाना पानी दूध है या बिस्किट है ऐसी चीज़ें भी उनको वहाँ पे नहीं वहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है, नहीं पे मिल पा रही हैं उनको, लाइफ से ज़रूरी, लाइफ की जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी कमी है उनके पास। ऐसे लोग जिनके पास इन चीज़ों की कमी है, अभावग्रस्त हैं, या फिर उनके पास इतना रुपया पैसा नहीं है कि वो ये चीज़ें भी, लाइफ की जो नेसेसरी चीज़ें हैं उनको भी अफोर्ड कर पाएँ, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, डेस्टिट्यूशन पीपल होते हैं, जो लाइफ की नेसेसरी चीज़ों को भी, जो खाने पीने की चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हर पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो लग्जरी से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती हैं, वो नेसेसिटी से रिलेट करती हैं, बिलोंग करती हैं, तो वो लोग जो इस चीज़ को भी, जिनके पास इस चीज़ की भी कमी हो उसको क्या बोलेंगे, डेस्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डैम आपने जरूरी पढ़ा होगा। डैम क्या होता है, कृत्रिम जलाशय कुंड, देखिए पानी का आर्टिफिशियल पानी जो है, पानी को हम इकट्ठा करते हैं पर कहाँ, वो रियल कोई भी रिवर नहीं होती, रियल कोई भी कुआं नहीं होता, वेल नहीं होता, रियल लेक नहीं होती, आर्टिफिशियल बनाते हैं। आर्टिफिशियल बनाया जाता है पानी को इकट्ठा करने के लिए, स्टोर करने के लिए, आर्टिफिशियल लेक फॉर रीस्टोरिंग वाटर, जिसको हम ये भी बोलते हैं रिजर्वॉयर, ठीक है, रिजर्वॉयर भी बोलते हैं, दो वर्ड होते हैं इसके, डैम और रिजर्वॉयर, दोनों आपके लिए करेक्ट हैं। कृत्रिम आर्टिफिशियल लेक बनाएंगे, आर्टिफिशियल झरना बनाते हैं, ऐसा स्थान बनाएंगे जहाँ पानी की कमी हो तो पानी को हम इकट्ठा कर सकें। देखिए जब बारिश होती है कभी कभी बहुत सी जगहों पे खेतों में भी किसान क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा करने के लिए, उसका यूज़ करने के लिए, या जहाँ वाटर की कमी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं और वाटर की कमी, और जब बारिश हुई तो बारिश को इकट्ठा करने के लिए उसके पानी को आर्टिफिशियल लेक बना दी गई, तो उसे बोलते हैं डैम, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, डैम। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डीज्म, क्या है, डीज्म, ईश्वरवाद, आस्तिकता। आस्तिक कौन होता है, जो भगवान पे भरोसा रखता है, और नास्तिक मैंने आपको पढ़ाया था एथिस्ट, आपको ए वाले जितने भी वर्ड थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने एक आपको बताया था एथिस्ट, तो एथिस्ट कौन होता है, नास्तिक होता है, जो भगवान पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता, उसे यही नहीं बिलीव होता है कि भगवान है, उनके एग्जिस्टेंस पे भरोसा नहीं करता, ये क्या है, डीज्म, ये है आस्तिकता, बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, That is based more of faith that or religious teaching. जैसे किसी ने धार्मिक टीचिंग ले ली किसी के, कि कोई कहीं बैठा सत्संग में जाके, और सत्संग में उसको वहाँ संत की बातें इतनी ज़्यादा उसको इफ़ेक्ट कर गई कि वो भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगा, और बहुत ज़्यादा उसका फेथ जो है, और बिलीफ उसका बढ़ गया भगवान पे, तो जो ये बिलीफ बढ़ा है, जो फेथ बढ़ा है, जो वो भरोसा कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डीज्म, जो उसका ईश्वरवाद है, आस्तिकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, डीज्म, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डी पॉट, भंडार। देखिए फ्रेंड्स, ये आज के वीडियो का लास्ट वर्ड है, डी वर्ड, डी लेटर से रिलेटेड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये लास्ट वर्ड है, इसके बाद मैं डी वर्ड से, डी लेटर से रिलेटेड आपके लिए और भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लाऊंगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होगी आपके सारे एग्जाम्स के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, आपका कमेंट जो है बहुत मैंडेटरी है, अगर आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिए कि आपको इस वीडियो से कितना सीखने को मिला है, ठीक है। और अगर आप हमारे पेड ग्रुप से ऐड होना चाह रहे हैं, इंग्लिश के सारे लेक्चर्स को फॉलो करना चाह रहे हैं, तो हमारा नंबर है, उस नंबर पे ऐड होके आप हमारे इंग्लिश के सारे लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं और हमारे पेड ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं, ठीक है। नंबर है हमारा ये, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ऐड होना हो, ठीक है। देखते हैं लास्ट वर्ड, डिपॉट, भंडार। भंडार किसको कहते हैं, अ प्लेस वेयर थिंग्स और गुड्स आर स्टोर्स, जहाँ पे चीज़ें या सामान जो भी है वो इकट्ठा करके रखा जाता है बहुत बड़ी मात्रा पे। जैसे कि कोई भी शॉप होती है, तो वो शॉप पे जहाँ से सामान आता है वो ऐसी जगह से आता है जहाँ पे इस चीज़ों का भंडार किया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में चीज़ें रखी जाती है, और वहाँ से किसी दूसरी शॉप पे जाती हैं, और शॉप से क्या करते हैं, हम उनको परचेज़ करते हैं जाके कॉमन शॉप से, ठीक है, जो हमारे आसपास में होती हैं। तो जो शॉप पे जो भी सामान आता है, गुड्स या थिंग्स आती हैं, वो उसी जगह से आती हैं, जिसको बोलते हैं डिपॉट, भंडार बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।